मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के सैपुरा विकास खंड के अंतर्गत 25 किलोमीटर दूरी पर एक कौआझिर माल गांव है। यहां की जनसंख्या 1350 है और यहां पर कुल कार्डधारी 350 हैं और सभी कार्डधारी उचित मूल्य की दुकान 10 किलोमीटर की दूरी पर मानिकपुर में है, जहां से राशन लेकर आते हैं। मानिकपुर से लाते हैं और 10 किलोमीटर है और कहीं गाड़ी के साधन भी नहीं बनता है, सिर पे जाते हैं, कई दिन मिलते हैं कई दिन नहीं मिलते हैं, बहुत भटकते हैं हम। हम यहाँ से छोटे मोटे बच्चों को छोड़ के जाते हैं तो बड़ी तकलीफ बनते हैं और समय पर राशन भी नहीं मिल पाते हैं तो वहाँ भी परेशानी हो जाते हैं। 11-12 बजे रात लौट के आते हैं, ये परेशानी ही दीदी। अब कभी राशन भी मिल पाता है कभी नहीं मिल पाता है, तो दूसरा दिन मिलता है तो दो दो दिन की परेशानी आता है दीदी। गांव के लोग आगे कार्यवाही करने के लिए प्रस्ताव और दस्तावेजों के साथ सोसाइटी अध्यक्ष श्री प्रभुदयाल को दिए हैं और प्रभुदयाल के द्वारा कलेक्टर के यहां 20/6/2014 को आवेदन लगाया गया है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि पिपरिया पंचायत के अंतर्गत 3 गांव आते हैं, कौआझिर माल और कौआझिर रैयत और पिपरिया माल। तीनों गांव के बीच सेंटर में कौआझिर रैयत गांव पड़ता है। यहां पर उचित मूल्य की दुकान खुलवाना चाहते हैं ताकि तीनों गांव के लोगों को 10 किलोमीटर दूर न जाना पड़े और आसानी से राशन प्राप्त करने में सुविधा मिले। आप क्या चाहते हैं और क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं दीदी कि हम अपने ग्राम कौआझिर रैयत यानी बीचों बीच में हो पड़ जाता है पंचायत के, तो हम दुकान वहीं खुलाने चाहते हैं दीदी। मैं वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील करती हूँ, कृपया इस पते पर कॉल कर हमारी मदद करें। पता है कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सहपुरा श्री जयंत असराटी, उनका मोबाइल नंबर है 9977044537। मैं सरोज परस्ते, ग्राम कौआझिर माल, विकासखंड सहपुरा, जिला डिंडौरी, मध्य प्रदेश से इंडिया अनहर्ट के लिए।